हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे देव टर्न्स मूवी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मुझे कल रात को पता ये लगा था कि देव टर्न्स मूवी का रीशूट शुरू होगा। तो रीशूट आप लोगों को पता ही है, यानी कि फिल्मिंग होने के बाद अगर कुछ गड़बड़ निकलती है तो वो लोग रीशूट करते हैं और फिर फिक्स कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि मुझे पता चला था कल रात को कि देव टर्न्स मूवी का रीशूट हो सकता है, और इसी के बाद मैंने रात को कुछ 12 बजे देखा शायद सलमा हायक, वो भी देव टर्न्स मूवी में है, एजक का रोल प्ले कर रही है। उन्होंने एक फ़ोटो डाला था और कैप्शन आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को इमेज दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो उन्होंने भी रीशूट की बात की। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि देव टर्न्स मूवी का रीशूट जल्द शुरू हो। और बात करूँ कि देव टर्न्स मूवी का रीशूट कब शुरू हो सकता है, तो वो शुरू हो सकता है जुलाई के मिड या फिर जुलाई के एंड में। और आप लोगों को पता ही है कि मार्वल की जो सीरीज़ है वो भी रिज्यूम हो रही है फिल्मिंग, यानी कि दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज़ और वंडर विजन की सीरीज़ का भी रीशूट हो रहा है जुलाई के एंड में, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मेरे हिसाब से जुलाई के एंड में दी टर्न्स मूवी का भी रीशूट शुरू होना चाहिए। और अगर रीशूट शुरू होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई सेट इमेज लीक हो जाए, क्योंकि जब पिछले टाइम लीक हुआ था सेट इमेज तभी हमें बाकी सबका कॉस्ट्यूम देखने मिला था, यानी कि एंजेलिना जूली, फिर गैमा चैन सैरसी, और ये एक्टर का नेम नहीं पता है, ये सेट इमेज है पहले का। तो ऐसे ही लुक हमें सलमा हायक यानी कि एजक का देखने मिल सकता है कॉस्ट्यूम लुक। तो हमें एक अंदाज़ा होगा कि कॉस्ट्यूम कैसे दिखेगा मूवी में। तो देखते हैं इस बार लीक होता है या नहीं होता है रीशूट के टाइम। अगर लीक हुआ तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा या बंदी हुआ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना नहीं मालूम है तो सुन।